नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। दारू की वजह से गांव में हर रोज होने वाले झगड़े और तरह तरह की समस्याओं की वजह से कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन अगर किसी गांव में यह समस्या उग्र रूप धारण कर ले तो फिर यह समझना जरूरी है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए गांव वासियों को ही संपूर्ण मेहनत करनी होगी। और इसी तरह का एक नज़ारा एक गांव में देखने को मिला। गांवकरों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने गांव को दारू मुक्त करवा दिया। और अगर कोई दूसरे गांव से दारू पीकर गांव में आ जाए तो फिर उसके लिए गांव में एंट्री बंद और फिर वह उसके साथ उसे ग्राम पंचायत से मिलने वाली सारी सुविधाएं भी रोक दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसे एक आदर्श गांव के बारे में। देश के हर एक छोटे मोटे गांव में मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से वहां के लोग रास्ते से भटके हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक तो वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होती और ना ही बेहतर शिक्षा होती है, ना ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होती है, ना ही पीने के लिए बेहतर पानी होता है। गांव के लोग अधिकतर विकास से वंचित रहते हैं, लेकिन विकास से वंचित रहने वाले इसी गांव के लोगों ने अपने कड़े परिश्रम की वजह से पूरी तरह से गांव का काया पलट कर दिया है। और गांवकरों की इसी मेहनत की वजह से उनका गांव बुलढाणा जिला में एक आदर्श गाँव व दारू मुक्त गाँव के नाम से जाना जाने लगा है। गांव की महिला सरपंच माधुरी गायगोड़ ने गांव को दारू मुक्त करने का संकल्प लिया। उनके साथ उनके इस मुहिम में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर साथ लिया। उसके बाद उन्होंने 21 युवाओं का एक पथक तैयार किया, जो कि शराबियों को उनके घर जाकर समझाते थे कि शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर शराबी फिर भी नहीं मानता था तो वह उसे गांव से बेदखल कर देते थे और ग्राम पंचायत से मिलने वाली सारी सुविधाएं भी रोक देते थे। आमच्या इथे काळेगाव इथं दारू मुक्तीचा हे दारू जास्त पिल्या जात होती, दारूचं प्रमाणही जास्त प्रमाणात होतं आणि त्याच्यामुळे खूप त्रास होता लोकांनाही आणि इतरांनाही, समजा सर्वांनाच। तर त्याच्यामुळे आम्ही एक बॉडीमुळे सर्व सदस्यांनी यांनी ठराव घेतला, जसं बा नाही आपल्याला एक काम करायचं, जसं बा हे की दारूमुक्ती करायची। त्याच्यामुळे गावातील समजा सर्वांनी सहभागही केला लोकांनी, इतरांनी, तरुण मित्रमंडळांनी, त्याच्यामुळे गावातील दारू बंदी केली आणि गाव दारूमुक्त झालं। म्हणजे गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात दारूचं प्रमाण वाढलेलं होतं आणि युवक आहे तो युवक या व्यसनाच्या दारूच्या आहारी गेला होता। यामुळे आम्ही सर्व ग्रामपंचायतचे जे सर्व सदस्य आहेत आणि समस्त जे गावकरी आहेत, या गावकऱ्यांनी ठरवलं की बा आपल्याला आपल्या गावातून दारू बंदी करायची आहे आणि सर्वांनी एकमतानं एक समिती स्थापन केली। आणि समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीमध्ये ठरवण्यात आलं की जो व्यक्ती दारू पिऊन गावामध्ये येईल, गोंधळ करेल, त्याला अगोदर आपण समजून सांगायचं आणि त्यानंतर तो जो व्यक्ती आहे जो दारू पितो त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायतमधली जी कागदपत्र लागतात ती सर्व प्रकारची जी दाखले लागतात ते सर्व, कोणताही दाखला त्या दारू पिणाऱ्या व्यक्तीला मिळणार नाही असं सर्व कमिटीनी, सर्व ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य या सर्व लोकांनी ठरवलं। काळेगाव नामी इस गाँव में दारू की समस्या बहुत बढ़ चुकी थी। इसके बाद गाँव को दारू मुक्त करने के लिए गाँवकरों ने ही अपने आप को मजबूत कर लिया व इसके लिए गाँव में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, रास्ते पर पहुंचकर पठ नाट्य किए गए और लोगों को जन जागृति के माध्यम से भी समझाया गया। इसके साथ साथ अब इस गांव में खुले में शौच मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह गांव में महिला शिक्षण, आरोग्य जन जागृति, स्वच्छ पानी का महत्व, उपलब्ध नैसर्गिक स्रोत का महत्व लोगों को समझाने के लिए भी गांव के लोग व महिलाएं लगी हुई हैं। सिर्फ दारू बंदी ही नहीं बल्कि गांव के युवक व महिला मिलकर पूरे गांव को साफ सुथरा रखते हैं और लोगों को स्वच्छता का महत्व भी समझाते हैं। इस उपक्रम को भी गांव के लोगों का अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसकी वजह से आज उनका गाँव आदर्श गाँव के नाम से जाना जाने लगा है। ग्राम पंचायत काळेगाव अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं आणि या अभियानांतर्गत गावांना दर 15 दिवसानंतर गावातले सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंडळी आणि तरुण मंडळी हे या गावामध्ये स्वच्छतेचं काम करतात। सर्व रस्ते आणि नालीचं जे साफसफाईचं काम ते करतात। त्याचप्रमाणे गावाने दुसरा जो एक चांगला उपक्रम हाती घेतलेला आहे की गावामध्ये पूर्णतः दारूबंदी करणे आणि यासाठी स्वयंस्फूर्तीने सर्व तरुण
वयोवृद्ध जे लोक आहे आणि महिला विशेषतः या ठिकाणी या गावाचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल की महिलांचा स्वयंस्फूर्त या ठिकाणी सहभाग आहे आणि सगळ्या कामामध्ये म्हणजे स्वच्छतेचा असेल दारूबंदीच्या कामात असेल या गावाने महिलांनी खूप मोठी भागीदारी त्याच्यामध्ये घेतली आणि त्याच्यामुळे गावाला आज ज्या गावामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत दारू पिणारे लोक होते त्या गावामध्ये आज पूर्णतः शांतता नांदते. या ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छ भारत अभियान, हगणदारी मुक्त अभियान, संटामुक्त अभियान असे विविध योजनेच्या शासनाच्या योजना राबविण्यात येतात. परंतु आज ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये दारूबंदी या विषयावर एक ठराव झालेला आहे आणि एक नवीन उपक्रम या ग्रामपंचायतीमध्ये सादर झालेला आहे. सदर उपक्रम राबविल्यानंतर गावातील लोकांचे दारूचे प्रमाण नगण्य म्हणजे नसण्यास जमा असे झालेले आहे आणि संबंधित गावाच्या बाहेरून एखादा माणूस दारू पिऊन जर आल्यास ग्रामपंचायतीने एक अशी कमिटी नेमलेली आहे आणि सदर कमिटी त्या संबंधिताच्या घरी जाऊन त्याला समज देतात. त्याच्यामुळं गावातील जो कोणी दारू पिऊन आला त्याच्याकडे 10-20 लोकांची समिती जात असल्यामुळं आजूबाजूच्या लोकांना एक माहीत पडते किंवा संबंधित व्यक्ती हा दारू पिऊन आलेला आहे, याच्यामुळे याच्याकडे 10-20 माणसं गेलेली आहेत. त्याच्यामुळं अशी 10-20 माणसाची जात असल्यामुळे गावातील इतर नागरिक तसा धाडस करत नाही, त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिक दारूचे प्रमाण कमी झालेलं आहे. काळेगाव के दारूमुक्त हो जाने की वजह से गांव में होने वाले रोज रोज के झगड़े खत्म हो चुके हैं और महिलाएं अपना जीवन सुख शांति से गुजार रही हैं. महिलाओं ने अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव का श्रेय गांव की महिला सरपंच को दिया है. तर आमच्या गावामध्ये खूप त्रास होता दारूचा. इतल्या बाया कंटाळल्या होत्या की काय करायचं ते समजत नव्हतं. पण आता बायांना इतना आनंद झालेला आहे. ग्रामपंचायत सरपंच आहेत ते आम्हाला खूप चांगले लाभलेले आहेत. त्यांनी दारूमुक्ती केलेली आहे. त्यानंतर गावात 8 दिवसातून एकदा जी कमिटी नेमलेली आहे ती कोपरान कोपरा स्वच्छ करते आमच्या गावचा. त्यामुळे कसं आहे जे घाणीचे प्रमाण आहे ते कमी झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी म्हणजे दारूमुक्त झाल्यामुळे आमच्या महिलांना मानाचा सन्मानानं वागण्याची एक संधी मिळालेली आहे. तर माझ्या वतीने म्हणजे माझ्या गावाच्याच वतीने मी सरपंच जे लाभलेले आहेत आपल्याला माधुरीताई गायगोड यांचे मी मनापासून आभार मानते गावकऱ्यांच्या वतीने. आमच्या घरासमोर लय आम्हाला दारूचा त्रास होता. लय लोक दारू पित होते आमच्या घरासमोर, डांगडो करत होते. आता लय शांतता झाली आता गावाची. चांगलं स्वच्छ चांगलं वाटू राहिलं आम्हाला, शांत वाटू राहिलं आता आम्हाला. नाही तर लय त्रास होता, लोक लय भांडणं करत होते आमच्या घराला. घराच्या बाजूला जवळच दुकान होती दारूची. आमच्या घरचे दारू पित होते, भांडणं करत होते, मारहाण करत होते. आता दारू बंद झाले त्याच्यामुळे एकदम वातावरण चांगलं आहे. काळेगाव में दारू मुक्त का सफल अभियान और अलग अलग उपक्रम चलाए जाने की वजह से आज यह गांव पूरे जिला में एक आदर्श गांव के तौर पर जाना जाने लगा है. गांव की इस पहचान को बनाए रखने के लिए गांववासियों से अपील की जाती है कि वह पहले से बेहतर कार्य कर गांव का नाम और ज्यादा रोशन करें. VCN न्यूज के लिए बुल्ढाना से महेंद्र मिश्रा की यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट. बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा, उनकी पार्टी युवा स्वाभिमान का 13वां वर्धमान दिन 11 जनवरी को है. इस अवसर पर साइंस कोर मैदान में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भव्य रक्तदान शिविर में 1500 बोतल रक्तदान का संकल्प पूर्ण कर वीर पुत्र शहीद मुन्ना शेलुकर के माता पिता की रक्त तुला कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. साथ ही कैंसर, किडनी, हृदय रोग के ऑपरेशन की मुफ्त व्यवस्था के साथ मुफ्त दवाइयां वितरित की जाएंगी. इस शिविर के लिए मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई महानगर पालिका के तज्ञ डॉक्टरों की टीम उपस्थित रहेगी. ऐसी जानकारी विधायक रवि राणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी. आरोग्य महाशिविर एक मोठ्या प्रमाणात अमरावती जिल्हा विदर्भातल्या शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, गोरगरिबांना जे खऱ्या अर्थानं शासनाचा डायरेक्ट लाभ इथे मिळाला पाहिजे या उद्देशानं युवा स्वयं महोत्सवाच्या निमित्तानं, कृषी महोत्सवाच्या निमित्तानं, राजस्व अभियानाच्या निमित्तानं मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की महाआरोग्य शिबिर हे अमरावतीमध्ये झालं पाहिजे. सगळे आता इथे डॉक्टर लोक उपस्थित आहेत आपले आणि स्वतः येऊन त्यांनी बैठक घेतले एरियनमध्ये की अशा अशा प्रकारे आरोग्य शिबिराचं आयोजन करायचं आहे. शासनातर्फे आदेश आहे आणि स्वतः अमरावतीच्या जितके सोशल आमच्या मेडिकलच्या ज्या संस्था आहे, जे सोशल आपले सगळे डॉक्टरचे हॉस्पिटल आहे, त्या सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये वेळ दिला आणि महाआरोग्य शिबिरामध्ये
जवळपास 35 लाख रुपयाची औषध ही गरिबांना मोफत देणार आहे। त्याच्यामध्ये याने ज्या सर्वसाधारण ज्या बिमाऱ्या असतात त्यांना रुटीनमध्ये ते औषध देणार आहे। केमो जे आहे ते सगळ्या म्हणजे आज कॅन्सरचे जे केमो आहे ते सगळ्या पेशंटला पण फ्री देणार आहे। जवळपास 1 महिना 1 ते 2 महिने 2 ते 3 महिने त्यांना केमो पूरा फ्री मिळेल। या ठिकाणी या शिबिरामध्ये डोळ्यांचे ऑपरेशन 2 ते 3 हजार लोकांचा आम्ही टार्गेट ठेवलेला आहे। जवळपास 5 ते 6 हजार लोकांना आम्ही पूर्ण 6 महिने पूर्ण डोळ्याचे चष्मे वगैरे मुफत देणार आहे। इस भव्य रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाली महिला व पुरुषों को सम्मान पत्र उसके साथ 16 GB का पेन ड्राइव भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसी दौरान किसान ब्लड बैंक का उद्घाटन होगा। इस महास्वास्थ्य शिविर के लिए 200x400 फुट का पंडाल निर्माण किया जा रहा है। शिविर में 1200 लोगों की टीम रक्तदान के लिए 150 बेड की व्यवस्था, विभिन्न डॉक्टरों के लिए 50 कक्ष, 150 OPD कक्ष, महिला पुरुष के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था, 35 लाख रुपए की दवा मुफ्त बांटी जाएगी, 15,000 टॉनिक की बोतल मुफ्त दी जाएगी। कैंसर, किडनी, हृदय रोग आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित 300 मरीजों का चयन कर 5 से 6 करोड़ रुपए तक का ऑपरेशन मुफ्त किया जाएगा। मरीजों के लिए मुफ्त भोजन, पेयजल, महाराष्ट्र होम्योपैथिक डॉक्टर की ओर से सेवा, स्वाभिमान कार्ड धारक मरीजों को गंभीर बीमारी के लिए 1 महीने के लिए मुफ्त इलाज की सेवा दी जाएगी। चुनावी साल में रिजर्वेशन लाकर मोदी सरकार ने गरीब जनरल कैटेगरी को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कोई इसे सामान्य वर्ग के हित का फैसला बता रहा है तो कोई चुनावी जुमला करार दे रहा है। इन सबके बीच जो मूल सवाल अब भी बना हुआ है वो ये है कि देश में सरकारी नौकरियों का क्या हाल है। आज हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। डाटा विश्लेषण फर्म इंडिया स्पेंड के मुताबिक भारत की 15 वर्ष की आयु से ज्यादा कामकाजी आबादी हर महीने 1.3 मिलियन यानी 14 लाख बढ़ रही है। यहाँ बता दें कि भारत में 18 साल से कम उम्र के किशोर को मजदूर बनाना कानूनन जुर्म है। इसका मतलब यह है कि भारत की रोजगार दर स्थिर रखने के लिए हर साल औसतन 80 लाख से अधिक नौकरियों की आवश्यकता होगी। 15 अप्रैल 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जॉबलेस ग्रोथ के मुताबिक महिलाएं लगातार नौकरियां छोड़ रही हैं। इस कारण भारत के रोजगार दर में कमी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2005 से 2015 के बीच भारत में पुरुष रोजगार दर में बहुत कम गिरावट आई है, जबकि महिला रोजगार दर में प्रतिवर्ष लगभग 5% की गिरावट हुई है। इंडिया स्पेंड के मई 2018 के एक लेख में लिखा गया है कि 2017 में कम से कम 18.3 मिलियन यानी करीब 1.8 करोड़ भारतीय बेरोजगार थे और 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है। देश में रोजगार के अवसरों की कमी के साथ युवाओं के बीच व्यापक नाराजगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भारतीय रेलवे द्वारा दी गई 90,000 नौकरियों के लिए 28 मिलियन यानी 2.8 से अधिक आवेदन आए। इसी तरह मुंबई में 1,137 पुलिस कांस्टेबल रिक्तियों के लिए 2 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिनमें से कई जरूरी योग्यता से अधिक थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 423 के पास इंजीनियरिंग में डिग्रियां थी, वहीं 167 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर थे, जबकि 543 पोस्ट ग्रेजुएट थे। बता दें कि पद के लिए आवश्यक मूल योग्यता 12वीं कक्षा पास थी। आर्थिक हालात पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 में बेरोजगारी दर बीते 27 महीनों में सबसे ज्यादा रही, जब यह दर 7.38% तक जा पहुंची। सितंबर 2016 में यह दर 8.46% थी। इस कारण 2018 में निजी और सरकारी विभाग में रोजगार में लोगों की संख्या में 1.9 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। जबकि रिपोर्ट बताती है कि भारत में साल 2018 में बेरोजगारी की दर 7.4% थी। यह पिछले 15 महीने में बेरोजगारों की दर सबसे अधिक थी।
श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपी एंड मॉल बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स नानगांव पेट अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल शूज व सैंडल, होम डेकोर मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स नानगांव पेट अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। मध्य रेलवे के नागपुर व भुसावल मार्ग पर चलने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनें रेल विभाग ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी हैं। रेलवे विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नागपुर भुसावल मार्ग पर तीसरा ट्रैक बिछाने का काम बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके तहत अमरावती से नागपुर व भुसावल की ओर जाने वाली नागपुर भुसावल पैसेंजर, नागपुर अमरावती पैसेंजर व अमरावती नागपुर पैसेंजर, इन तीनों ट्रेनों को 1 जनवरी से आने वाले 15 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। नागपुर भुसावल मार्ग पर जो तीसरा ट्रैक बिछाया जा रहा है, उस ट्रैक पर सभी सुपरफास्ट ट्रेनें दौड़ेंगी। इसी नए रेलवे मार्ग के निर्माण कार्य के चलते 15 दिनों तक पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई हैं। यह जानकारी तो आने वाले 15 दिनों तक इन रूट पर पैसेंजर द्वारा सफर करने वाले मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 15 जनवरी के बाद यह ट्रेनें वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में चलना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे के पास अपना पैगाम भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहते थे। डाकिया डाक लेकर जाता था, सिर्फ डाक नहीं होता था बल्कि उसके थैले में कागज के पुतलों से भरा हुआ एक जज्बातों का खजाना हुआ करता था।
लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी विस्तारित होते गई, वह जज्बातों का खजाना भी लुटता चला गया। अब लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और दूसरी चीज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह खबरें पहुंचा देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां दुनिया की रफ्तार तेज़ हो गई है, वहीं रिश्तों की बुनियादें कमज़ोर भी हो गई हैं। आज पोस्ट ऑफिसों की हालत खस्ता है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, बड़े बड़े दावे भी करती है कि पोस्ट ऑफिसेस को बैंक बना दिया गया है। सरकार यह भी कहती है कि पोस्ट ऑफिसों में अब सारे काम हो जाएंगे, आपका पोस्टमैन अब पोस्टमैन नहीं रहा बल्कि चलता फिरता बैंक हो गया। लेकिन वह सरकार ये भी तो बताए कि पोस्टमैन बचे कितने हैं। अमरावती शहर की स्थिति तो यही कहती है कि पोस्ट व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई लोगों की शिकायतें हैं कि 3-3 महीने से उनके घर पर पोस्ट से भेजा हुआ उनका कोई भी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। पोस्टमैन से शिकायत करने के बाद वह कहता है कि इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका लिफाफा, आपका पोस्ट आपके घर तक पहुंचा सकूं। कृपा करके महोदय, आप पोस्ट ऑफिस आइए और अपना पार्सल लेकर के चले जाइए। VCN न्यूज़ ने अमरावती शहर के एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर स्थिति को जानने की कोशिश की तो पता चला कि पोस्टमैन के पद रिक्त पड़े हुए हैं और सरकार उन खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। जब सरकार पोस्टमैन नियुक्त करने में ही गंभीर नहीं है तो फिर इन सारी व्यवस्थाओं को पोस्ट ऑफिस से जोड़ने का फायदा क्या है। एक पोस्टमास्टर ने ऑफ कैमरा तो यहाँ तक कह डाला कि आखिर यह सरकार लोगों को बुनियादी मुद्दों से क्यों भटका रही है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने पोस्ट ऑफिस की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सिर्फ योजनाओं के ऐलान कर देने से पोस्ट ऑफिस की स्थिति सुधर नहीं जाती। पहले हम और आप सड़कों पर देखते थे कि जगह जगह पोस्ट बॉक्स लगे होते थे, लेकिन अब एक तो वो पोस्ट बॉक्स कहीं नजर ही नहीं आते और अगर नजर आ भी जाएं तो बिल्कुल भी खस्ता हालत में। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार 250 रुपये रोज पोस्टमैन को देना चाहती है। आखिर 250 रुपये में आज की स्थिति में कौन काम करता है? एक मलबा उठाने वाले मजदूर की मजदूरी भी उससे ज्यादा होती है। तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पोस्ट व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि आज भी एक बड़ा तबका है जो पोस्ट की व्यवस्थाओं पर निर्भर है। जब पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो फिर सरकारी योजनाओं को लागू कैसे किया जाएगा, यह भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। खबर यह भी चल रही है कि अगले कुछ दिनों में पोस्ट ऑफिस से ही पासपोर्ट बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि पोस्ट ऑफिस में बुनियादी सुविधाओं के लिए सिर्फ अमरावती जोन के लिए ही 1900 पदों पर पोस्टमैनों की नियुक्तियां रिक्त है। इसका भी जवाब सरकार और अधिकारियों को देना चाहिए। यातायात नियमों का पालन बेहतर व्यवस्था के लिए जरूरी है। नियमों की अनदेखी और मनमानी व्यवस्था की सूरत को बिगाड़ देती है। अमरावती शहर के बस स्टैंड के नजदीक ही माल टेकरी के सामने अवैध तरीके से निजी परिवहन की बसें खड़ी रहती है, जिनकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी प्रभावित होना पड़ता है। लग्जरी बसेस इस तरह से अवैध तरीके से खड़ी होती हैं कि सड़क किनारे चलने वालों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सिर्फ अवैध बस चालक नहीं बल्कि निजी टैक्सी चालक भी रास्तों पर इस तरीके से अपना कब्जा जमा लेते हैं कि आवाजाही करने वालों के लिए रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क से थोड़ी दूरी पर 3-4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात भी रहते हैं, लेकिन समस्या हर दिन जस की तस बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी ने टैक्सी चालकों के हौसले और लोगों की समस्याओं को बढ़ा दी है। जिस तत्परता से ट्रैफिक पुलिस दोपहिया चालकों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस की वही कार्यवाही अनाप शनाप जगह पर गाड़ी पार्क किए ऑटो चालकों और बस चालकों पर कतई नजर नहीं आती। और कई बस चालक तो ऐसे हैं जिनके पास परिवहन का लाइसेंस तक नहीं है, इसके बावजूद शहर में यह बसें धड़ल्ले से दौड़ रही है। ज्यादा दूर की बात नहीं, अमरावती शहर के बस डेपो के सामने से ही निजी ट्रेवल्स की बसें सवारियों को भरकर आना जाना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात विभाग की इस ओर बिल्कुल भी नजर नहीं है।
शायद यातायात विभाग की शह पर ही यह सारा कार्य खुले तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। अमरावती शहर का राजकमल चौक और नमूना गली भी अतिक्रमण धारकों से लैस नजर आती है, चाहे फिर वो दुकानदार हो, ऑटो चालक हो या फिर बस चालक। हर कोई अपने अपने तरीके से किसी भी जगह पर अतिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है, मानो किसी को कोई बोलने वाला ही नहीं है। अमरावती शहर तो अंबादेवी की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर इस अमरावती शहर को गड्ढों का शहर भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमरावती शहर की हर एक सड़क जो अभी नई निर्माण हुई है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो गड्ढों से लबरेज नजर आती है। फिर चाहे इस गड्ढे से राह चलने वालों को कितनी ही तकलीफें हों, फिर चाहे यह गड्ढा अमरावती शहर का दिल कहे जाने वाले राजकमल चौक पर ही क्यों ना हो। महानगर पालिका की इमारत राजकमल चौक से सटी हुई है। महानगर पालिका के बड़े अधिकारी व सत्ताधारी दल और इलाके के पार्षद हमेशा ही इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन यह रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ठेकेदारों को वह चीज़ें दिखाई देती है जो उन्हें मीडिया में चमका दे। प्रनीत सोनी जी, यह आपका इलाका कहलाता है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि यह जो राजकमल चौक पर गड्ढा नजर आ रहा है आप उसे बंद करवाएं? और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोहे की जो जाली गडर पर लगाई गई है वो कितना ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। सलाखें टूट चुकी हैं व मुड़ चुकी हैं, लोग इस पर से गुजर रहे हैं। गाड़ियां पंचर हो सकती हैं या फिर टकरा कर गिर भी सकती है, लेकिन किसी की जान की परवाह करने वाले आप कौन होते हैं? आपको तो बस परवाह अपने वोटों की है। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, आपके पहले जो नगर सेवक आए होंगे या आपके बाद जो आएंगे उनकी भी समस्याएं यही रहने वाली है कि जब जनता से वोट मांगने का समय आए, मीठी मीठी बातें कर ली जाएं और फिर उसके बाद आने वाले 4.5 साल जनता के कामों से परहेज कर लिया जाए। पंडित सोनी जी, उम्मीद है कि इस न्यूज को देखने के बाद आप राजकमल चौक व उसके आसपास आपके प्रभाग में हुए इन गड्ढों का संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इन्हें बंद करने की बेहतर व्यवस्था करेंगे। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहे विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।